मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन के बाद अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का शिकंजा कसने वाला है। अमेरिका की अपील पर जल्द ही यूनाइटेड नेशंस मसूद अजहर पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। मसूद अजहर भारत के मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में शामिल है। पहले हाफिज सईद पर लगाया लगाम, फिर सैयद सलाहुद्दीन को बताया ग्लोबल टेररिस्ट, और अब मसूद अजहर की बारी। हिंदुस्तान के खिलाफ हरदम साजिशें रचने वाले आतंक की इस टुकड़ी के काम तमाम की तैयारी शुरू हो गई है। धरती के जन्नत को सुलगाने वाले इन आतंकी सरगनाओं के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरुआत मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद पर पाबंदी और $1 करोड़ के नाम की घोषणा के साथ हुई थी। इसके बाद कश्मीर से भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट बताकर उस पर शिकंजा कसना भी तेज हो गया है। और अब पठानकोट एयरबेस हमले के गुनहगार और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो मसूद अजहर को आतंकी घोषित करें। United States has made a request along with other countries for Maulana Masood Azhar to be listed under the UN, the relevant UN sanctions committee. Masood Azhar Jaish-e-Mohammed आतंकी संगठन का आका है और ये POK में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के साथ मसूद भी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की मोस्ट वांटेड टॉप लिस्ट में है। मसूद अजहर पर जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का आरोप है। 2001 में संसद पर हुए हमले को भी मसूद के गुर्गों ने ही अंजाम दिया था। अभी हाल ही में त्राल की गुफा में मसूद के 3 गुर्गों को ढेर किया गया है। लखनऊ में विस्फोटक मिलने से पहले जैश ए मोहम्मद का एक नया टेप आया। PETN मिलने से ठीक 36 घंटे पहले जैश ने PM और CM योगी को दी धमकी।